सिंपल जिंदगी थी। और रोज सुबह जब पापा आउट के शेव करके खेत की तरफ निकल जाते थे, उस टाइम इतना पता नहीं था, लेकिन शायद वही सब देख के मेहनत करने का मतलब पता लगा। डाउन जो टाइम होता है ना, वो बहुत कुछ सिखा देता है, और उसके बाद फिर एथलीट या कोई भी आदमी है वो कुछ अलग ही कर जाता है। मेरा शुरू से ही एक था कि मुझे भारतीय सेना बहुत पसंद थी, और मैं 5-6 साल खेला। उसके बाद मुझे भारतीय सेना ने ज्वाइन करने के लिए बोला, तो मुझे काफी खुशी हुई। फिर मैंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया, और उसके बाद से मैं अपना गेम में फोकस कर रहा हूँ, और भारतीय सेना मुझे जितनी फैसिलिटी और जो मुझे चाहिए और जो भारत सरकार सब कुछ मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं, और मैं अपना पूरा मन लगा के मेहनत कर रहा हूँ। मैं मानता हूं सर कि जो इंजरी है वो एक स्पोर्ट्स का पार्ट है। तो जो मैंने 2019 में काफी मेहनत की थी, उस साल वर्ल्ड चैंपियनशिप आपको तो आपको स्पोर्ट्स की इंजरी में भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखता है सर, क्योंकि हमारा यही सफर है। कुछ साल का हमारा करियर होता है और हमको अपने आप को मोटिवेट करना होता है। तो मेरा एक साल इसकी वजह से खराब हो गया था, क्योंकि मैंने तैयारी काफी की थी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए और एशियन चैंपियनशिप के लिए, लेकिन इंजरी की वजह से वो उसमें दिक्कत होगी। फिर मैंने अपना पूरा फोकस ओलंपिक पे किया और अब दोबारा से कम बैक किया। अच्छे से मैंने फर्स्ट कॉम्पिटिशन खेला, उसमें ही ओलंपिक क्वालिफाई कर दिया था। मैंने जब खेलना शुरू किया, मुझे कभी भी चोट लगती, कोई इंजरी आती या फिर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आता था, तो फिर भी उनकी सपोर्ट मेरे साथ रही। और वो एक ही बात बोलते थे कि बेटा तू बस मेहनत कर, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। शायद इसीलिए आज भी अगर कोई बुरा टाइम आता है तो पापा के साई को ही ढूंढता हूँ। आज उन्हीं के लिए मेरा डेडिकेशन, अपने अगले कंपटीशन में मेरा लुक। पापा जैसा शायद बन तो नहीं पाऊंगा, लेकिन उनके जैसा दिख तो सकता हूँ। आज भी उन्हीं से सीखी मेहनत कर रहा हूँ, और बाकी तो वो सब कुछ संभाल।